प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज अहमदाबाद को बड़ी सौगात दी है। अब अहमदाबाद मिनी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास की पटरी पर दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज देश के तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को गांधीनगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत एक्सप्रेसवे में सवार होकर कालूपुर रेलवे स्टेशन तक भी गए। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गांधीनगर से मुंबई के लिए होगी। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इसके बाद अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया और कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा की। पहले चरण की पूरी परियोजना 12,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। गति तैयार की गई है। पीएम मोदी आज शाम को अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल होंगे। गांधीनगर स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत आधुनिक बन चुका है। आज 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया। ये सफर था तो कुछ मिनटों का ही, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरव से भरे क्षण थे। रात की पहली वंदे भारत ट्रेन है, कालूपुर रेलवे स्टेशन से कालूपुर मेट्रो स्टेशन और फिर वहां से अहमदाबाद मेट्रो की सवारी करते हुए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।